आज हम देखेंगे मल्टीमीटर के जरिए एक एडाप्टर का वोल्टेज चेक करना है। इससे हम ये भी सीख जाएंगे, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मेन करंट को, मेन जो पावर सप्लाई आ रहा है उसका वोल्टेज कितना आ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे डीसी के बारे में, वो एसी था या डीसी है। ठीक है, तो ये आप इस पर रेटिंग देख सकते हैं इसका कितना वोल्ट होगा। इसमें मे भी ना दिखे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लगभग 19 वोल्ट है। ठीक है, ये 19 वोल्ट का है, आप देख सकते हैं कोई भी एडाप्टर में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था, जाना था, अगर 19 वोल्ट है तो हमको 20 में रखना है, अगर 20 के ऊपर होता तो 200 में रखना है। हम कम ज़्यादा करके देख लेंगे अभी। यह हमारा एडाप्टर का पॉइंट। ठीक है, जो बाहर साइड होता है वो ग्राउंड होता है, जो अंदर साइड होता है वो रेड होता है, मतलब आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है जिस पे वोल्टेज आता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ वो ऑन नहीं था इसलिए नहीं आ रहा था, अब आएगा, देखिए ध्यान से, ये 19.27 आ रहा है। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने देखा था जब उसका प्रोब उल्टा कर रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसमें जरा देखें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने अब ग्राउंड के रेड लगा दिया और पॉइंट पे ब्लैक लगा दिया, देखिए माइनस आ रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं इसका रीडिंग माइनस में आ रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई लॉस नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर हम इसको फिर से हम पॉजिटिव कर देते हैं, इसके बीच में इसको यहाँ पे देखिए 19 आ रहा है, मैं अगर इसको 2 में कर दूँ तो वोल्टेज आना बंद हो गया क्योंकि वो घट गया है। ठीक है, 20, अच्छा ये अगर 19 है तो मैं अगर इसको, ये फ्लैक्चुएट हो रहा है क्योंकि ठीक से मैंने पकड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ठीक से पकड़ने से ये फ्लैक्चुएट नहीं होगा, देखिए अब मैं अगर 200 में कर दूँ तो देखिए ये 19.2 आ रहा है, ये चलेगा। 600 में करने से खाली 19 आ रहा है, ये एक्सपीरियंस होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होने से भी दिखता है, पता चलता है क्या हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम एक कोई भी लैपटॉप के एडाप्टर का आउटपुट हम चेक कर सकते हैं। ये HCL का है एडाप्टर, ठीक है, इसका आउटपुट है 19.2, हम नीचे करेंगे तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 19.27 या 828 आ रहा है। ठीक है, बस, थैंक यू।